नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन की जो तीन स्टेज थी वो देखी थी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपना एक नया टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या है, इसमें अपन लोन की बात करेंगे, लोन क्या होता है और जो क्लासिफिकेशन ऑफ लोन है वो देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अपने इंडिया में जो ज़्यादातर किसान है वो कैसे है, स्मॉल एंड मार्जिनल है, ठीक है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ज़्यादातर, तो उनके पास जनरली जो केस है वो रहता नहीं है। कोई भी अपन क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके लिए अपने को थोड़ा बहुत केस चाहिए, जैसे सीड के लिए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, जो कि जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाते ये पैसे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लोन लेता है। अब लोन किससे लेगा, या तो वो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेगा या नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी में अपने जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो आ जाएंगे। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, जिसमें जो लैंडलॉर्ड आ गया, ट्रेडर्स आ गए, ठीक है, और जो रिलेटिव आ गए, इसमें किसमें आ जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी में, ठीक है। तो किसान क्या करता है कि जो लोन लिया है, जो पैसे लिए हैं किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से, तो उनसे वो क्या करता है, सीड खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है और जितने भी जो इक्विपमेंट आ रहे हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए जो चाहिए, ठीक है, तो वो खरीदता है, ठीक है। और जो उनका जो रिपेमेंट है, जो अपन ने लोन लिया है उसका रिपेमेंट वो कब करेगा, जब वो क्रॉप ग्रो करेगा और उसका उससे जो रिटर्न आएगा, ठीक है, जो यील्ड है, यील्ड को बेच के जो रिटर्न आएगा उससे वो क्या करेगा, उस लोन को वापस रीपे कर देगा, चुका देगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो किसान है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए उनके पास केस तो होता नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे लोन की, ठीक है। लोन को अपन बोलते हैं क्रेडिट, लोन और क्रेडिट एक ही चीज है, ठीक है। जो क्रेडिट है वो लैटिन वर्ड से बना है, जो क्रेडिट है वो कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड के शब्द से बना है, क्रिडो से, क्रिडो जो लैटिन वर्ड है उससे अपना क्रेडिट बना है, ठीक है। तो क्रिडो का जो मीनिंग है वो क्या है, वो ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्थिनेस या ट्रस्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो क्रिडो का मीन क्या है, ट्रस्ट। पूछ ले कि क्रेडिट कौन से जो भाषा का वर्ड है, तो वो क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं लोन क्या होता है। तो लोन क्या होता है, लोन एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। लोन क्या है, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो या तो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेते हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लेते हैं अपन, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनकी एक इंटरेस्ट रेट होती है फिक्स, ठीक है, तो कि इस रेट पे आपको इतने पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए दिए जाते हैं, एक सर्टेन पर्पज होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अपन लोन ले रहे हैं तो अपन किसी पर्पज के लिए ले रहे हैं, ठीक है, सर्टेन पर्पज होगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो होगी, ठीक है, जो अपन जो मनी ले रहे हैं लोन पे, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट होगी और अपन एक सर्टेन पर्पज के लिए ले रहे हो वो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लोन, ठीक है। तो लोन अपन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, सोर्स, इसके सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो सोर्स की बात करें अपन, कि लोन अपन कहां कहां से ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं अपन ट्रेडर्स हो गया, ठीक है, ट्रेडर्स हो गया, और हो गया जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट से भी लोन लिया जाता है। पहले प्री ब्रिटिश काल में जो गवर्नमेंट है वो एक लोन देती थी जिसको बोलते थे अपन तकावी लोन, तकावी लोन, ठीक है।
ये तकावी लोन है वो क्या है, गवर्नमेंट लोन है, ठीक है। गवर्नमेंट जो मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर है उनको क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन देती थी, उस लोन को बोलते हैं तकावी लोन, ठीक है। और इसमें कोऑपरेटिव बैंक हो गया या कॉमर्शियल बैंक हो गए, ठीक है, कोई रिलेटिव हो गया, वहाँ उनसे भी अपन पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अपन लोन या जो क्रेडिट है उसके सोर्स क्या क्या है, किसी व्यापारी से ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, रिलेटिव्स है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, इनसे अपन क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। लोन की जो कुछ जो पिक्स उनकी तरफ से जो एक इंटरेस्ट रेट होगी, और वो एक सर्टेन पर्पज के लिए ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो सोर्स में हो गया ट्रेडर्स, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रिलेटिव और लैंडलॉर्ड। अपने को ध्यान रखने वाली चीज है कि जो तकावी लोन है वो क्या है, तकावी लोन क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो तकावी लोन है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लोन की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लोन देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोन जो बेस्ड मतलब बेस है कि बेस्ड ऑन पर्पज है, बेस्ड ऑन टाइम है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, तो अपन वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन दो ही बेस पे पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। हर बार क्वेश्चन या तो बेस्ड ऑन टाइम से पूछता है या बेस्ड ऑन सिक्योरिटी से, ठीक है। वैसे लोन का जो बेस्ड ऑन पर्पज भी है, पर्पज में कौन से आ जाएंगे, प्रोडक्शन लोन आ गया, इन्वेस्टमेंट लोन आ गया, मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन लोन, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन। बेस्ड ऑन टाइम में आपको पता होगा तीन टाइप है इसमें, शॉर्ट टर्म लोन एक है, मीडियम टर्म लोन एक है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है वो किसके लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है क्रॉप के लिए, क्रॉप ग्रो के लिए, ठीक है, या एक सीजन के लिए दिया जाता है। जैसे अपन जो क्रॉप है उसकी कोई सीजन होगी, जैसे 5-6 महीने में अपनी जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है जनरली, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है वो एक सीजन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो रिपेमेंट जो पीरियड है, अपन वाप जो रिपे करने का जो पीरियड है वो कितना होता है, वो होता है इसका 6 मंथ टू 18 मंथ, ठीक है, 6 महीने से 18 महीने के अंदर इसको रिपे करना होता है, ठीक है। जो अपन ने लोन लिया है उसको वापस कितने टाइम में अपने को जमा कराना होगा, 6 मंथ से लेकर 18 मंथ के बीच, ठीक है। और इसको शॉर्ट टर्म लोन को और क्या बोलते हैं, क्रॉप लोन भी बोलते हैं इसको, क्रॉप लोन, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रॉप की सीजन के लिए लिया जाता है, तो इसलिए क्रॉप लोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन क्यों लेते हैं अपन, जैसे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो अपन किसके लिए लेंगे, उसके सीड खरीदने के लिए लेंगे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए लेंगे, ठीक है, और जो कोई इक्विपमेंट है उनके लिए अपन क्या लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। और जैसे ही अपनी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करके अपन उनको मार्केट में बेचते हैं, तो उससे जो रिटर्न आती है उससे अपन क्या कर देते हैं, लोन को चुका देते हैं, रिपे कर देते हैं वापस, ठीक है। तो मैन इसमें जो याद रखने वाली चीज है, एक तो जो रिपे पीरियड है वापस जमा कराने का पीरियड, वो है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, ठीक है। और इसको क्रॉप लोन बोलते हैं, और किसके लिए लेते हैं, ये सीड के लिए, फर्टिलाइजर इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन में जो रिपे पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो कितना होगा, वो होगा 15 महीने से 5 साल तक,
ठीक है, 15 मंथ टू 5 ईयर्स, ठीक है, जो रीपे पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 15 मंथ टू 5 ईयर्स। और ये किसके लिए लेते हैं अपन, जैसे अपने को केटल खरीदना है, शीप गोट वो खरीदने हैं, इसके लिए अपन मीडियम टर्म लोन लेते हैं, केटल शीप गोट, ठीक है, या फिर अपन कोई जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है, इक्विपमेंट जैसे प्लो हैरो, ये सब किस में आएंगे, मीडियम टर्म लोन में। और इसकी जो रिपे की जो टाइम है वो कितना है, 15 महीने से 5 साल तक, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन किस लिए लेते हैं, जो अपनी जैसे लैंड है तो लैंड पर परमानेंट अपन क्या करते हैं, परमानेंट रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है। तो लैंड या जो अपनी बिल्डिंग है उनके लिए अपन क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि इन पे जो अपन जैसे लैंड पे लेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेवलिंग कर रहे हैं या फिर अपन ऑर्चार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, तो लेवलिंग कर रहे हैं ऑर्चार्ड लगा रहे हैं, तो इनके लिए अपने को पैसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा चाहिए तो इनको जो रिपे करने का जो टाइम है, रिपे पीरियड, वो कितना होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे जो लेवलिंग और जो ऑर्चार्ड लगा रहे हैं उसके लिए अपने को लोन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रुपये चाहिए, तो ज़्यादा रुपये है तो उनको जमा कराने में अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका जो रिपे पीरियड है वो कितना है, 5 to 20 ईयर्स, 5 से 20 साल तक इसका रीपे पीरियड है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन में और क्या कर सकते हैं, इसमें अपन ट्रैक्टर लोन, जो ट्रैक्टर का अपना लोन है वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन में, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए अपने को अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा चाहिए इसके लिए, तो ये जो लॉन्ग टर्म है लोन है उसमें लिया जाता है। और इसकी जो रीपे पीरियड है वो 5 से 20 साल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैन इसमें याद रखने वाली चीज है रिपे पीरियड और जो इनके एग्जांपल है वो, ठीक है। जैसे लैंड और बिल्डिंग के लिए अपन कौन सा लोन लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। ट्रैक्टर के लिए कौन सा लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। सीड फर्टिलाइजर के लिए अपन शॉर्ट टर्म लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, नेक्स्ट अपना बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। अपने क्लासिफिकेशन में दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। ऊपर ही लिख देता हूं मैं एक बार, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मीन्स अपन लोन ले रहे हैं तो उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, किसको, एजेंसी को, जिससे अपन लोन ले रहे हैं उस एजेंसी को अपने को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी में भी दो टाइप है, जो फर्स्ट है वो है सिक्योर्ड लोन और जो सेकेंड है वो है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, वो लोन होता है जिसके लिए अपने जिस मतलब लोन लेने के लिए अपने को क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन में भी और भी टाइप है इन डिटेल, ठीक है, तो उनको पढ़ते हैं अपन। इसमें जो पहला टाइप है वो है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, ठीक है। तो पर्सनल लोन में क्या होगा, इसमें जो गारंटर होगा वो कौन होगा, खुद होगा वो, हिमसेल्फ, ठीक है। इसमें जो गारंटर के रूप में होगा वो खुद ही होगा, जो लोन ले रहा है वो गारंटर के रूप में क्या रहेगा, खड़ा वहां पे, ठीक है। और उसके जो एजेंसी है उसको एक प्रोमिजरी नोट देती है, उस पर साइन करवाती है, किस पे, प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट क्या होता है, एक जो इसको बोलते हैं अपन वचन पत्र, वचन पत्र, ठीक है। तो ये प्रोमिजरी नोट पे ये जो लोन ले रहा है उसके जो एजेंसी है
वो साइन करवा लेती है और बोलती है कि अगर आपने अगर ये पैसे जमा नहीं करवाए तो इसके जो जिम्मेदारी वो किसकी होगी, आपकी खुद की होगी, क्योंकि आपने प्रोमिजरी नोट पे साइन किए है। ठीक है, तो इसमें जो गारंटर होगा वो कौन होगा, जो लोन ले रहा है वो खुद होगा गारंटर, इसमें जो थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें, इसमें डायरेक्ट एक तो जो लेंडर एजेंसी है जो अपने को लोन दे रही है और एक जो बोरोवर है जो लोन ले रहा है। ठीक है, जो लोन ले रहा है उसको बोलते हैं अपन बोरोवर। ठीक है, एक तो बोरोवर और एक लेंडर, जो लोन दे रहा है वो लेंडर है। ठीक है, लोन या तो कोई एजेंसी देगी या अपने जो बैंक्स है कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोमिजरी नोट है वो किस में यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन होगा पर्सनल लोन, कोलेटरल लोन, चेटल लोन, मॉर्टगेज लोन। ठीक है, तो प्रोमिजरी नोट किस में यूज करते हैं, पर्सनल लोन में। ठीक है, तो इसमें जो गारंटर होगा वो कौन होगा, खुद होगा पर्सनल। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना कोलेटरल लोन। ये साथ के साथ जो कीवर्ड है वो आप राइट डाउन करते जाइए, जैसे प्रोमिजरी नोट था इसमें तो राइट डाउन करने वाली चीज थी प्रोमिजरी नोट। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी, प्रोमिजरी नोट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लोन, तो वहां ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, पर्सनल लोन, कोलेटरल लोन, चेटल लोन और नॉन ऑफ दिस, तो वहां अपने को पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो सेकेंड है वो है कोलेटरल लोन। कोलेटरल लोन, कोलेटरल लोन क्या होता है, जो अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जो प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती। ठीक है, जो प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती वो क्या होती है, मूवेबल होती है, और जो फिक्स होती है वो क्या होती है, इमूवेबल। ठीक है, तो इसमें जो अपन सिक्योरिटी रख रहे हैं वो कैसी रख रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी के रूप में अपन क्या रख रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज, जो मूव हो सके। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज के जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएंगे, जैसे LIC बॉन्ड है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, और क्या है, जैसे ज्वेलरी है, मशीनरी है, ठीक है, लाइफ स्टॉक है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मूवेबल है, अपन इनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टीज, एक तो अपने को याद रखना है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उनके लिए कौन सा लोन देते हैं, कोलेटरल लोन, और मूवेबल प्रॉपर्टीज में इसके जो एग्जांपल है वो LIC बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ज्वेलरी, मशीनरी, लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो वो जैसे एग्जाम्पल पूछ ले कि LIC बॉन्ड कौन से प्रकार का लोन है, तो वो किस में आएगा, कोलेटरल लोन में। ठीक है, तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टीज और एक इसके एग्जाम्पल। सिक्योरिटी के रूप में वो मूवेबल प्रॉपर्टीज रखेगा, और मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट अपना चेटल लोन। चेटल लोन, ठीक है, ये भी जो कोलेटरल लोन है सेम वैसा ही है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वही इसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा वो, और इसमें जो एक जो डिफरेंस है कोलेटरल और चेटल लोन में वो ये है कि जो ये चेटल लोन है वो पवन ब्रोकर्स, मतलब पवन ब्रोकर्स में जो दलाल होते हैं बीच में उनके थ्रू मिलता है ये चेटल लोन। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं पवन ब्रोकर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये जो लोन मिलेगा चेटल लोन जो स्पेसिफिक टाइप है कोलेटरल लोन का, तो इसमें जो पवन ब्रोकर्स है उनके द्वारा ये लोन मिलेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है चेटल लोन और कोलेटरल लोन में, इसमें पवन ब्रोकर्स आ जाता है बीच में और उसमें पवन ब्रोकर्स नहीं आता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल ज्वेलरी आ जाएगी और जो यूटेनिल्स,
जो अपनी जो बर्तन होते हैं अलग अलग मेटल के बने होते हैं, ठीक है, वेरियस मेटल, कोई एल्यूमिनियम का है, कोई किसका है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है ज्वेलरी एंड यूटेंसिल, ठीक है। तो इसमें बस पॉन ब्रोकर्स बीच में आ जाता है, इसके थ्रू लोन मिलता ही है अपना चेटल लोन, बाकी कोलेट्रल लोन और चेटल लोन सेम से होता है। नेक्स्ट है मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन में क्या होगा, इसमें जो अपन सिक्योरिटी रखेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी रखेंगे तो कैसी रखेंगे, इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अपन क्या रखेंगे, गिरवी रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी, अपनी लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो अपन इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखेंगे, लैंड है और बिल्डिंग है, ठीक है। अब मॉर्टगेज लोन है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लेकिन अपने को याद ये रखना है कि जो मॉर्टगेज लोन है वो किसके लिए दिया जाता है, या इसमें जो सिक्योरिटी रखते हैं अपन वो कैसी रखते हैं, इमूवेबल, जो मूव नहीं हो सकती, जैसे लैंड और बिल्डिंग है ये मूव नहीं हो सकती, इसलिए इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पूछ ले कि लैंड और बिल्डिंग है इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लोन, तो अपन मॉर्टगेज लोन में आएगा ये, ठीक है। आगे मैं दो पार्ट और है मॉर्टगेज लोन के, वो भी बता देता हूँ। आप ये जो बस जो मैं की वर्ड है वो ही लिखा रहा हूँ डायरेक्ट, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लैंड बिल्डिंग इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आप ये राइट डाउन करते रहे। अब मॉर्टगेज लोन दो है, एक तो है सिंपल और एक है इक्विटेबल। ठीक है, तो सिंपल मॉर्टगेज में क्या होगा, इसमें जो अपनी जो प्रॉपर्टी होगी जैसे लैंड और जो बिल्डिंग है वो कैसी होगी, एंसेस्टर के थ्रू मिलती है अपने को, जो अपने पूर्वज है, ठीक है, अपने जो पूर्वज है उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो सिंपल मॉर्टगेज में आ जाएगी, ठीक है। अपन कोई जैसे लैंड है, लैंड पे लोन ले लिया, ठीक है, और उसके जो कागजात है लैंड के वो अगर अपने पूर्वजों के नाम है, एंसेस्टर, एंसेस्टर बोलते हैं हिंदी में पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर के नाम है, तो वो किस में आएगी, सिंपल मॉर्टगेज में, ठीक है। और इक्विटेबल लोन या इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या आएगा, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो खुद की कमाई हुई होनी चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो खुद की, या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड या एक्वायर्ड भी लिख सकते हैं अपन, एक्वायर्ड, जो प्रॉपर्टी किसकी, जो खुद की कमाई हुई हो वो किस में आएगी, इक्विटेबल मॉर्टगेज में, और जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है वो किस में आएगी, सिंपल मॉर्टगेज में, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज में, एंसेस्टर ये जो की वर्ड है ये लिखते चलना आप, ठीक है, एंसेस्टर के नाम है उनकी जमीन तो वो सिंपल मॉर्टगेज में आएगी, और अगर उसने खुद ने खुद के पैसों से या फिर जो खुद ने कमाई है वो लैंड बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, तो वो इक्विटेबल मॉर्टगेज में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन लोन। तो हाइपोथिकेशन लोन क्या होता है, इसमें जो अपन जैसे लोन ले रहे हैं इसमें भी वही मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन लेंगे अपन, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, और इसमें जो अपन लोन ले रहे हैं उसमें जो स्वामित्व है फिजिकली तो अपना होगा, ठीक है, फिजिकली तो अपना होगा, जैसे मैंने ट्रैक्टर ले लिया लोन पे या कोई मशीनरी ले ली, ठीक है, तो फिजिकली पजेशन या फिजिकली जो स्वामित्व है वो तो मेरा है, लेकिन जो जो कागजात में नाम है या फिर जो लीगल जो ओनरशिप है, लीगल ओनरशिप कौन होगा,
जो एजेंसी जिस एजेंसी ने लोन दिया है वो उसकी लीगल ओनरशिप होगी। ठीक है, तो लीगल ओनर कौन होगा? एजेंसी होगी जिस एजेंसी ने अपने को लोन दिया है। ठीक है, और जो फिजिकल पजेशन होगा, फिजिकल पजेशन या जो स्वामित्व है वो किसका होगा? खुद का होगा अपना। ठीक है, फिजिकली तो अपने पास रहेगी वो चीज, लेकिन उस चीज पे जो लीगल ओनर है या जो लीगल ओनरशिप है वो उस एजेंसी की होगी जो अपने को लोन दे रही है। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप है, की लोन है एक, तो की लोन है, एक है ओपन लोन। ठीक है, की लोन क्या होता है? जैसे की लोन, जैसे फार्मर ने लोन ले लिया, ठीक है, तो फार्मर का जो क्रॉप प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट आएगा या जो यील्ड आएगी, ठीक है, जो प्रोड्यूस है उसको वो क्या रख लेगा? सिक्योरिटी के लिए रख लेगा गिरवी। ठीक है, जो प्रोड्यूस है उसको वो सिक्योरिटी के तौर पर रख लेगा। ठीक है, और जैसे ही वो लोन चुका देगा तो वो प्रोड्यूस को वापस फार्मर को दे देता है। ठीक है, पहले तो क्या करेगा? फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसको सिक्योरिटी के रूप में रख लेगा। कौन? लेंडिंग एजेंसी या जो अपने को लोन दे रही है वो। ठीक है, और जैसे ही फार्मर उस लोन को जमा करवा देगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो एजेंसी वाला जो प्रोड्यूस है वो वापस फार्मर को दे देता है। ठीक है, एक है अपना ओपन लोन। ओपन लोन में क्या है? वही जो अभी हाइपोथिकेशन में बताया बताया कि इसमें जो फिजिकली पजेशन है वो तो अपना रहता है, लेकिन जो लीगल ओनर है इसका वो कौन रहता है? वही एजेंसी रहती है। ठीक है, इसको अपन बेच नहीं सकते। ठीक है, तब तक जब तक अपन जो लोन लिया है उसको वापस रिपे नहीं कर देते तब तक अपन उस चीज को बेच नहीं सकते। ठीक है, वो आएगा ओपन लोन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने बेस्ड ऑन टाइम बताया और बेस्ड ऑन सिक्योरिटी बताई। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी में एक और रह गया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जिसके लिए अपने को सिक्योरिटी नहीं जमा करानी पड़े। ठीक है, सिक्योर्ड लोन में तो अपन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे रहे थे, किसको? लेंडिंग एजेंसी को। ठीक है, जो अपने को लोन दे रही थी उसके बदले अपन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रख रहे थे वहां तो, और अनसिक्योर्ड लोन में अपन सिक्योरिटी नहीं रखेंगे गिरवी। ठीक है, तो फिर कैसे देगा लोन? वो बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस कैसे? जैसे लोन या जो बैंकर आएगा उसके घर या फिर उससे जो बातचीत करेगा, ठीक है, उसके रंग ढंग से ही पता लग जाता है कि ये अपना लोन चुका पाएगा कि नहीं, बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसमें अनसिक्योर्ड लोन में अपने को कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने बेस्ड ऑन टाइम और बेस्ड ऑन सिक्योरिटी पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है और भी आगे, लेकिन जो जहां से क्वेश्चन आते हैं वही चीज मैंने आपको बताई है। एक है केसीसी, ठीक है, केसीसी लोन है अपना। ठीक है, तो जो केसीसी लोन है अपना शॉर्ट टर्म लोन में आता है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, जो केसीसी है अपना किसान क्रेडिट कार्ड, वो अपन शॉर्ट टर्म लोन में लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो केसीसी पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी होती है? 4% होती है। 4% कैसे होती है? वैसे तो 9% रहती है, ठीक है, लेकिन 2% क्या करती है? आरबीआई अपने को छूट दे देती है। ठीक है, 9% होती है ओरिजिनल तो, लेकिन 2% छूट तो कौन दे देती है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई सबवेंशन, आर्थिक सहायता कर देती है फार्मर्स की 2% की छूट देके। ठीक है, अब बचा कितना? 7%। ठीक है, 7% है, अगर फार्मर टाइमली जमा कराएगा, टाइमली जमा करा देता है लोन को, तो उसको 3% की वापस से छूट मिल जाती है। ठीक है, तो फिर बचा कितना? 7 में से 3 गया तो 4%। ठीक है, तो 4% केसीसी पे अपन इंटरेस्ट रेट देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल तो 9 होती है, लेकिन 2% आरबीआई सबवेंशन, आरबीआई अपने को छूट दे देती है 2% की। फिर 3% की अपने को छूट मिल जाती है अगर अपन जो लोन लिया है अपन ने वो टाइमली अपन जमा करा देते हैं, ठीक है, गिवन पीरियड के अंदर। तो
तो 3% की छूट मिल जाती है, और फिर अपने को इंटरेस्ट रेट है वो 4% देनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे अपन लोन तो दे दिया, ठीक है, तो लोन तो दे दिया, लेकिन फिर वो जो अपने को लोन दे रहे हैं एजेंसी या जो बैंकर, तो वो क्या देखते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 3R, 5C, 7P, ठीक है, ये चीज, तो ये चीज फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आती है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।